दोस्तों ये ओल्ड एक्ट्रेस शकीला जी की कब्र है। बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे, ऐ जान वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे। और जॉनी वॉकर साहब की कब्र भी इसी कब्रिस्तान में है। जॉनी वॉकर साहब ने शकीला जी की बहन से शादी की थी। जॉनी वॉकर साहब की कब्र पर तो तख्ती भी लगी हुई है, लेकिन अब हम शकीला जी के जीवन पर रुख करें तो शकीला जी ने 14 साल के अपने करियर में कुल 72 फिल्मों में अभिनय किया है। 1965 में शकीला जी ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। शकीला जी ने NRI बिजनेसमैन जॉनी बार्बर से शादी की। 1963 में बॉलीवुड इंडस्ट्री में अलविदा कहने के बाद वे पति के साथ UK शिफ्ट हो गई थी, लेकिन उनकी शादी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। शकीला जी की एक बेटी भी थी, अपनी माँ की तरह हसीन और बेहद खूबसूरत, और उनका नाम था मीनास। शकीला जी ने इसके बाद दूसरी शादी नहीं की और पूरी जिंदगी में अपनी बेटी की परवरिश में गुजार दी, लेकिन उनकी बेटी ने जवानी में ही आत्महत्या कर ली। इससे शकीला जी को बहुत बड़ा सदमा लगा। उनकी बेटी मीनास उनके लिए एक लौता सहारा थी। उनके पति से अलग होने के बाद वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही जी रही थी, और ये इनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। वो पूरी तरह टूट गई थी। पचास और 60 के दशक में शकीला जी ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। शकीला जी को असली पहचान गुरुदत्त की फिल्म आर पार के मशहूर गाने बाबूजी धीरे चलना के जरिए मिली। शकीला जी का ताल्लुक अफगानिस्तान और ईरान की शाही खानदान से था। उनका असली नाम बादशाह बेगम था। शकीला जी का पालन पोषण उनकी बुआ फिरोजा बेगम ने किया था। फिल्मों की तरफ उनका रुझान भी बुआ की वजह से ही आया। शकीला जी अपनी बुआ के साथ फिल्में देखने जाया करती थी। इसके बाद ही उनका झुकाव सिनेमा की तरफ हुआ। शकीला जी ने 1950 में प्रदर्शित हुई फिल्म दास्तान से अभिनय करियर की शुरुआत की थी। दास्तान के बाद शकीला जी ने गुमास्ता, खूबसूरत, राजरानी, दमयंती, सलोनी, सिंह बाद द सेलर, आगोश और अरमान में बतौर बाल कलाकार अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने 1953 में फिल्म मदमस्त में बतौर लीड अभिनेत्री काम किया। अलीबाबा और 40 चोर के बाद उन्हें कई फिल्मों में ऑफर आने लगे, और 20 सितंबर 2017 को 82 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। वही जिंदगी वही मरहले वही कारवां वही रास्ते, वही जिंदगी वही मरहले वही कारवां वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं।